एक बड़ी खबर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर हिमाचल में सियासी घमासान। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। इस मुद्दे पर ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बोले थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये विवाद बड़ा नहीं है, उनकी शिकायतों को सुना जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था। सीएम के इसी बयान को लेकर अब देखिए लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है। वो आउटसोर्स के माध्यम किसी ठेकेदार के माध्यम से लगे होते हैं, इसलिए इस प्रकार के कोई विवाद बड़ी बात नहीं होती है। कोई किसी के पास काम करता तो निकाल दिया, अब इसमें उनके ग्रेवेंसीज सुनेंगे। जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में दिए गए बयान की निंदा करती है, और हमारा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी का ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हजारों आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और वो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उनका जो सिलेक्शन होता है और उनको सरकारी खाते से वेतनमान मिलता है, और उनका जो निर्धारित काम है वही उनसे लिया जाना चाहिए, ऐसा पार्टी का मानना है।